नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है उसे पैन कार्ड के साथ लिंक कैसे करना है। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, कम्प्लीट जानकारी एक ही वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। सबसे पहले जो आपको लिंक आधार के नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक आधार के नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डाल के वैलिडेशन बटन पर क्लिक करना है। वैलिडेशन बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है कंटिन्यू टू पे, मतलब आपने जो है अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करने के लिए पेमेंट नहीं किया है ऐसा बताया जा रहा है, तो आपको पर चालान भरना है उसके सामने। उसके बाद आपको ऐसे इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको पैन कार्ड डालना है, फिर से पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजी जाती है, फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर जो है ओटीपी आएगी, जो आधार कार्ड नंबर के साथ आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर पर आपको ओटीपी आएगी। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है 2023-24 चूज़ करना है और यहाँ पे आपको 500 जो है चूज़ करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 500 चूज़ करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद जो है आपको बताया जाएगा कि आपको जो है पूरा 1000 रुपये चालान भरना है, जो कि आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं आपको पेमेंट चालान भरने के लिए। ठीक है, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको डेबिट कार्ड जो अदर भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं और भी जो है पेमेंट गेटवे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको पूरा बताया जाता है कि आपको कितना चालान देना है। ठीक है, उसके बाद आपको पे नाउ बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है टर्म एंड कंडीशन का एक पेज देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको टिक लगानी है और सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर UPI ID चुनना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो है UPI ID डालनी है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई जैसे ही हो जाता है आपको पे नाउ बटन पे क्लिक करना है। पे नाउ बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो आपके मोबाइल में जो आपका फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम वगैरह है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन भेजी जाती है, वहाँ पे उसको क्लिक करके आपको चालान भर देना है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे आपका चालान जो है सक्सेसफुली भर दिया गया है ऐसा एक मैसेज मिलता है और आपने जो चालान भरा है उसके आप प्रिंट भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको फिर से आपके होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। इतना करने के बाद जो है आपको फिर से लिंक आधार का जो यहाँ पे ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना है। लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल के जो है वैलिडेशन बटन पर क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ देखने को नीचे मिल जाता है। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको बोला जाता है कि आपने जो है जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। यहाँ पर आपका चालान और आपका सीरियल नंबर, BSC कोड और जो डेट वगैरह होती है उसको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन में जैसे क्लिक करोगे तो आपका लिंक आधार के ऑप्शन पे जो आपको पैन कार्ड नंबर, आपका जो नाम है वो, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पे दो टिक लगानी है और लिंक आधार बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको एक OTP आएगी, उसको यहाँ पर सबमिट करके वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। वैलिडेट बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पर बोला जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड के साथ लिंक हो गया है। यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे फिर से होम पेज बटन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, जो कि यहाँ आपको यहाँ जो है लिंक आधार स्टेटस बटन पे क्लिक करना है, जो कि दो नंबर पे है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और लिंक वैलिडेशन स्टेटस बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जो है आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पे बोला जाएगा कि योर पैन कार्ड नंबर इज़ ऑलरेडी लिंकेड टू गिव द आधार कार्ड नंबर, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड के साथ ऑलरेडी लिंक हो गया है, आपको क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड के साथ लिंक कैसे हो सकता है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दे दी है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।